आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं रूंगटा हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर मिनी भार्गव। डॉक्टर मिनी भार्गव, आपका बहुत बहुत स्वागत है सिटी हेल्थ के आज हमारे इस एपिसोड में। धन्यवाद डॉक्टर मिनी भार्गव। माँ बनना एक सामान्य सी प्रक्रिया है जो बहुत सालों से, बहुत टाइम से हम देखते आ रहे हैं कि नारी जो है वो संपूर्ण तभी कहलाती है जब वो माँ बन जाती है। लेकिन आजकल ये इतना आसान भी नहीं रह गया है और देखा जा रहा है कि बहुत सारी ऐसी औरतें जो कि माँ बनने वाली होती हैं, उनके कार्ड में, उनके प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर एक जगह कहीं लिखते हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी। और ज्यादातर ये सुनकर जो मैंने देखा है कि नॉर्मली जो वो लेडी होती है, जो वो औरत होती है या उसके परिजन होते हैं, वो घबरा जाते हैं कि ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या है। और ये चीज बढ़ती चली जा रही है। बहुत सारे औरतें ऐसी हैं जो कि यदि माँ बनना चाहती हैं तो वो जब डॉक्टर के पास जाती हैं तो प्रिस्क्रिप्शन में या कहीं उनके जो एंटीनेटल कार्ड्स होते हैं उनमें हाई रिस्क प्रेगनेंसी लिखा हुआ होता है। अब हमारे लिए ये जानना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या है और क्यों ये चीज बढ़ती चली जा रही है, ये एक जो टर्म है ये ज्यादा से ज्यादा औरतों की प्रिस्क्रिप्शन में क्यों नजर आ रहा है। तो पहले आप हमें बताएं कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है। एस्मा जी, जैसा हम जानते हैं प्रेगनेंसी की खबर जी पूरे परिवार में खुशी देती है। बिल्कुल। और किसी भी शिशु का जन्म उस खुशी को चार गुना बढ़ा देता है। बिल्कुल। परंतु कई बार ऐसी सिचुएशंस पैदा हो जाती हैं जिसमें माँ या बच्चे या फिर दोनों के लिए ही स्थिति गंभीर बन जाती है, चीजें नॉर्मल नहीं रहती। और ऐसी ही सिचुएशंस में जहां माँ को, होने वाले बच्चे को या उन दोनों को ही सामान्य से अधिक खतरा होता है जी, उस प्रेगनेंसी को हाई रिस्क प्रेगनेंसी लेबल किया जाता है जी। तो क्या ये खतरा काफी अधिक होता है, मतलब इस खतरे से क्या वाकई घबराने की जरूरत है? यदि हाई रिस्क प्रेगनेंसी लिखा हुआ है एंटीनेटल कार्ड में तो क्या ये चिंता का विषय है? जी हाँ, चिंता का विषय तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये प्रेगनेंसीज मैनेज नहीं होती जी। अगर समय पर इन पर ध्यान दिया जाए, गर्भवती महिला, उसके परिवार के सभी लोग अगर स्थिति को समझें, उसकी गंभीरता को जानें और समय समय पर डॉक्टर की सलाह के अनुसार चेकअप्स कराते रहें और इलाज लेते रहें तो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज को भी एक सुखद अनुभव में बदला जा सकता है। परंतु कई बार सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं जहां पे ये गंभीर होती हैं और माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा भी हो सकता है। यानी ये जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होती हैं, ये कई बार यदि पूरी तरह से ध्यान ना दिया जाए और डॉक्टर की सलाह ना ली जाए तो ये कॉम्प्लिकेट हो सकती हैं। लेकिन इन्हें आसान किया जा सकता है यदि आप वक्त पे डॉक्टर की सलाह लेते रहे, डॉक्टर की बात मान के चलते रहे तो मेरे ख्याल से कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आता है जी। तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी यानी कि आपने जैसे कि बताया कि माँ और बच्चे दोनों के लिए ही प्रॉब्लम हो सकती है, जो ऐसी प्रेगनेंसीज होती हैं जो बिल्कुल सामान्य नहीं होती हैं उन्हें ही शायद हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहा जाता है। तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी को पूरी तरह से समझने के लिए मेरे ख्याल में जरूरत पड़ेगी उन फैक्टर्स को जानने की जिनकी वजह से हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है। तो आप हमें बताएंगे कि वो क्या वजह है जिनकी वजह से एक प्रेगनेंसी नॉर्मल ना होकर हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है? प्रेगनेंसी के हाई रिस्क फैक्टर्स माँ से या बच्चे से या दोनों से जुड़े हुए हो सकते हैं जी। कई बार कुछ ऐसे कारण होते हैं जो माँ में देखे जाते हैं, खासतौर से माँ में कम उम्र की प्रेगनेंसीज, जैसे टीनेज प्रेगनेंसीज बोलते हैं, या एल्डरलीज, जैसे 35 इयर्स के बाद की जो प्रेगनेंसीज होती हैं, वो एज फैक्टर उनको हाई रिस्क ग्रुप में डालता है। हमारे लाइफस्टाइल में काफी चेंजेस आए हैं, उसके कारण वजन का बढ़ना या फिर कभी कमजोरी के कारण वजन का काफी कम होना, गर्भवती महिला की हाइट कम होना, ये एक अलग फैक्टर है, या पास्ट में कई बच्चे होना, ये चार या चार से ज्यादा प्रेगनेंसीज अगर होती हैं जिनको ग्रैंड मल्टीपैरा कहा जाता है, वो प्रेगनेंसीज भी हाई रिस्क फैक्टर्स में इंक्लूड की जाती हैं जी। ये लाइफस्टाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो प्रीवियस प्रेगनेंसीज में अगर हुए हैं, जब महिला पहले गर्भवती रही है उस समय में अगर उसको मिसकैरेजेस हुए हों, प्री टर्म डिलीवरीज हुई हों, या जो बच्चा पैदा हुआ है वो कंजेनिटली एनोमलस हो या मैलफॉर्म्ड हो जी, डिलीवरी के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ हो, सिजेरियंस हुए हो, तो ये प्रीवियस प्रेगनेंसी से रिलेटेड हाई रिस्क फैक्टर्स कहलाते हैं जी। इसके अलावा जो प्रेजेंट प्रेगनेंसी है उसमें
अगर बच्चे की ग्रोथ कम हो रही हो, माँ एनीमिक हो, खून की कमी हो माँ में जी, पानी की कमी हो बच्चे में, मतलब गर्भाशय में जो लाइकर रहता है वो कम हो जिसको ओलिगोहाइड्रामनियोस, या फिर ज्यादा हो जिसको पॉलीहाइड्रामनियोस कहते हैं वो हो, प्रीमेच्योर लेबर स्टार्ट हो गई हो जी, तो ये प्रेजेंट प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ फैक्टर्स हैं जी। इसके अतिरिक्त गर्भाशय या अंडाशय या गर्भ का जो रास्ता है उससे रिलेटेड कुछ एबनॉर्मैलिटीज, जैसे कोई ट्यूमर्स हो सकते हैं, फाइब्रॉइड्स, ओवरीज में सिस्ट हो, सर्विक्स से रिलेटेड कोई गांठें हो, या वेजाइना में किसी तरह की प्रॉब्लम्स हो, तो उसमें डिलीवरी के दौरान कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं जी। बच्चे की पोजीशन, अगर बच्चा आड़ा है या उल्टा है, उससे डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं जी। खून की कमी हो, प्लासेंटा नॉर्मली जो प्लासेंटा है वो गर्भ में ऊपर की तरफ होता है और बालक नीचे की तरफ होता है, किंतु अगर किसी कारण से वो इम्प्लांटेशन नीचे हो गया जी, प्लासेंटा अगर नीचे की तरफ है तो प्रेगनेंसी के दौरान कभी भी ब्लीडिंग होने का खतरा रहता है और उस ब्लीडिंग से माँ और बच्चे दोनों को खतरा हो सकता है जो कि जान के खतरे तक हो सकता है अगर उसमें समय पर ध्यान ना दिया जाए, और उसमें मोड ऑफ डिलीवरी भी डिसाइड करने की कई बार जरूरत पड़ती है जी। जी, ये प्लासेंटा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। आजकल जैसे हम देख रहे हैं कि इनफर्टिलिटी, मैं यहाँ एक बार आपको इंटरप्ट करना चाहूंगी क्योंकि कॉलर आपसे बात करना चाह रहे हैं मेरे ख्याल में। हेलो हेलो जी, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगी मैं। नेहा जी। नेहा, यहाँ हमारे साथ में आज डॉक्टर मिनी भार्गव हैं जो कि एक सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हैं, तो आप उनसे अपना सवाल कर सकती हैं। एक्चुअली हेलो डॉक्टर साहब, मेरे को एक पूछना है, मेरी प्रेगनेंसी चल रही है जी और मेरा आयरन और कैल्शियम बंद कर दिया, तो कोई फूड सप्लीमेंट हो या कुछ मैं लेकर के कैसे अपना आयरन और कैल्शियम पूरा करूं? एक तो मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आयरन और कैल्शियम क्यों बंद किया गया है, कुछ इंटॉलरेंस है आपको आयरन लेने से, आपको परेशानी हो रही है? हेलो हेलो हेलो, मेरे ख्याल में नेहा जी से हमारा संपर्क जो है वो टूट गया है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे नेहा जी कि आप एक बार अपना कॉल वापस लगाने की कोशिश करें। हेलो हेलो नेहा जी, अगर कार्यक्रम को देख पा रहे मेरे ख्याल में अगर कार्यक्रम को देख पा रही हैं और हमसे कनेक्टेड नहीं है, तो उनको मैं बताना चाहूंगी कि अगर सही खान पान का ध्यान रखा जाए तो कैल्शियम और आयरन की कमी को पूरा किया जाता है। आयरन के लिए आप हरी सब्जियां, दूध, फल आदि ले सकते हैं। अब सर्दी का मौसम आ रहा है, मूंगफली और गुड़ की प्रिपरेशंस काफी अवेलेबल हैं, तिल के लड्डू सर्दियों में सभी घरों में बनाए जाते हैं, वो आप ले सकती हैं। जितना हरी सब्जी अब इस समय मिलेगी उतनी साल भर कभी नहीं मिलती है, किस्मत की बात है कि अभी आपकी प्रेगनेंसी चल रही है और आयरन आपको बंद करवाया गया है। सर्दियों का मौसम, सर्दियों का मौसम ऐसी ही चीजें आती हैं जो आयरन रिच हैं। बिल्कुल। और कैल्शियम के लिए आप दूध और उससे बने हुए पदार्थ सभी इस्तेमाल कर सकती हैं, दूध, दही, पनीर, रसगुल्ला आदि लिया जा सकता है जी। पर अगर किसी कारण से कैल्शियम बंद की आयरन बंद किया गया है तो ये भी जानना जरूरी है कि कोई मेडिकल रीजन ना हो जिसमें आपको आयरन अलाउड नहीं हो, तो उसके लिए जो भी जांचें हैं वो आप अपने डॉक्टर से मिलकर बात करके और तय कर सकते हैं कि कुछ फर्दर इन्वेस्टिगेशंस की जरूरत तो नहीं है। मेरे ख्याल में नेहा, आपको आपके जो सवाल था उसका जवाब जरूर मिल गया होगा, और यदि आपके कोई और भी प्रश्न हैं तो आप वापस से कॉल लगाने की कोशिश कर सकती हैं, यहाँ डॉक्टर मिनी भार्गव आपको उन सारे सवालों का जवाब दे देंगी। तो हम आपसे बात कर रहे थे उन फैक्टर्स की, उन कॉजेज की, उन वजहों की जिसकी वजह से नॉर्मली देखा है कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है, और जैसे कि आपने बताया कि माँ से और बच्चे से जुड़े ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से एक नॉर्मल प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी भी हो सकती है। जैसे कि आपने बताया कि इसमें लाइफ स्टाइल के बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि जैसे जैसे वक्त बदल रहा है वैसे वैसे एक माँ के जो होने वाली माँ है या एक औरत की कहें तो सोच में और तरीकों में बहुत ज्यादा बदलाव आ रहा है। ये बदलाव कुछ तरह से बहुत अच्छा है क्योंकि जैसे जैसे लिबरल थिंकिंग हो रही है, औरतें ज्यादा से ज्यादा निकल रही हैं, काम कर रही हैं, लेकिन उनकी हेल्थ जो है वो मुझे लगता है बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रही है। यहाँ एक कॉल और हम लेते हैं पहले। हेलो हेलो, आप हमें सुन पा रहे हैं?
मैम एक बार आप बात कीजिएगा, शायद हो सकता है मेरे हेलो 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 क्या हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? मेरे ख्याल में कॉल करेक्शन में ही कहीं प्रॉब्लम आ रही है। खैर आप कॉल वापस लगाने की कोशिश कीजिए, मे बी आपका कॉल लग जाएगा तो हम आपकी डॉक्टर मिनी भार्गव से बात जरूर करवाएंगे जी। तो मेरा जो प्रश्न था वो ये था कि जैसे जैसे वक्त बदल रहा है, औरतों का जो एक रोल है हमारी सोसाइटी में वो पहले के मुकाबले काफी बदल चेंज चुका हो गया है। पहले औरतें जो थी वो घर तक ही कन्फाइन थी, गृहिणी थी, तो वो घर में रहकर दिन भर खाना बनाना पकाना या खाते रहना मतलब लगातार चलता रहता था, तो कहीं ना कहीं उनकी जो डिफिशेंसीज थी वो इतनी उजागर नहीं होती थी जो आज के वक्त में बहुत ज्यादा होने लग गई हैं। तो किस तरह से औरतों की जो ये मॉडर्न लाइफस्टाइल है ये प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम कर रही है? दरअसल उसको मॉडर्न लाइफस्टाइल कहूं या परिस्थितियां जी, जैसे जैसे लड़कियां पढ़ के आगे निकलना चाहती हैं, नौकरी करना चाहती हैं, तो उसमें उस दौरान एक तो हम अक्सर देख रहे हैं कि शादी की जो उम्र है जी, वो थोड़ा बढ़ गई है। पहले शहरों में भी 20-21 साल की लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, अब पढ़कर नौकरी करना शुरू करना चाहती हैं, कुछ अपने सेटल होना चाहती हैं, करियर में सेटलमेंट चाहती हैं और उसके बाद वो गृहस्थी में एंटर करना चाहती हैं। ऐसी स्थिति में प्रेगनेंसी की एज क्योंकि बढ़ गई है तो एज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स अक्सर देखने में आ रही हैं। दूसरा कारण यह है कि स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ चुका है कि उससे कई हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं। आजकल लड़कियों में मासिक धर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ चुकी हैं, वजन की परेशानी ज्यादा आ रही है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज के बारे में आप लोग अक्सर सुनते होंगे, उसके कारण प्रेगनेंसी होने में काफी परेशानी आती है। जो एडवांस्ड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जो यूज होती है या इनफर्टिलिटी के लिए जो ट्रीटमेंट किए जाते हैं उसके दौरान आप देखते हैं कि जो दवाइयां इस्तेमाल होती हैं या और टेक्निक्स हैं उसमें मल्टीपल प्रेगनेंसीज का इंसिडेंस पहले के कंपैरिजन में ज्यादा बढ़ा है। तो मल्टीपल प्रेगनेंसीज भी प्रेगनेंसी को हाई रिस्क बना देती हैं। एज जैसे जैसे बढ़ती है तो और मेडिकल कंडीशंस जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड, ये कंडीशंस ज्यादा देखी जाती और ये जो लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, भले ही डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है, ये भी हम देख रहे हैं इनका इंसिडेंस बढ़ रहा है और वो बढ़ते हुए इंसिडेंस का असर प्रेगनेंसी होने में बिल्कुल प्रेगनेंसी के दौरान पूरी एंटीनेटल केयर में और फिर चाइल्ड बर्थ तीनों के ऊपर ही पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी कि कहीं ना कहीं ये जो मॉडर्न लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं ये कहीं ना कहीं 100% केसेस में तो नहीं लेकिन कुछ केसेस में ये भी इम्पोर्टेंट हैं एज अ फैक्टर्स एज कॉजेज ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। तो यहाँ हमें ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इन फैक्टर्स को जहां तक हो सके कंट्रोल किया जाए और खासकर जो स्ट्रेस आप कह रहे हैं कि उस स्ट्रेस को यदि कंट्रोल किया जाए कि हम अपने सोचने के तरीके में बदलाव लाए तो मेरे ख्याल से ऐसे में हाई रिस्क प्रेगनेंसी के केसेस को काफी हद तक अवॉइड किया जा सकता है। देखिए स्ट्रेस लेवल तो बच्चों में टीनेज से स्टार्ट हो जाता है। आजकल परफॉर्मेंस स्ट्रेस आप देखेंगे कि पढ़ाई सही जैसे ही हम लड़कियों में देखते हैं यंग गर्ल्स एडोलेसेंट गर्ल्स जो हमारे पास आती हैं वो 9th-10th क्लास में आने के बाद जब उनका फिजिकल एक्टिविटीज और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से ध्यान हटाकर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की तरफ लगा लिया जाता है तो काफी चेंजेस उनमें देखने को मिलते हैं। वो स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, परफॉर्म करना है अपनी फैमिली के लिए, अपने पीयर्स के लिए, तो उससे कई तरह की परेशानियां देखने को मिलती हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये चीज एक ध्यान देने योग्य है। तो दर्शकों आज सिटी हेल्थ के हमारे इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मिनी भार्गव से हाई रिस्क प्रेगनेंसी के ऊपर। तो फिलहाल यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद एक बार फिर लौटेंगे। इससे पहले हमने आपसे बात की कि कारण क्या होते हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी के। आपने बताया कि मदर से यानी माँ से और बच्चे से जो उसके कोख में बच्चा पल रहा है उससे जुड़े हुए कई सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से एक नॉर्मल प्रेगनेंसी ना होकर वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो सकती है। हम इस प्रोग्राम के माध्यम से जागरूकता लाना चाहते हैं लोगों में कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो यदि उन्हें पता होंगी तो उन्हें प्रिवेंट करना भी आसान होगा। यहाँ हाई रिस्क प्रेगनेंसी भी कुछ एक ऐसा ही मैटर है जिसके बारे में यदि जागरूकता होगी तो इसका प्रिवेंशन इसका बचाव किया जा सकता है। तो फिलहाल एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आ रहा है लेकिन उससे पहले मैं एक बार कॉल लेना चाहूंगी क्योंकि हमारे दर्शक आपसे बात करना चाह रहे हैं। हेलो हाँ जी मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आपका नाम जान सकते हैं सबसे पहले हम? से
पूर्वी अवस्थी बोल रही हूँ जी। पूर्वी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सिटी हेल्थ के आज के हमारे एपिसोड में। हमारे साथ हैं एक सीनियर कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर मिनी भार्गव, तो आप उनसे अपना सवाल पूछ सकती हैं। एक्चुअली मैं मुझे पूछना था कि एक साल पहले मुझे बेटा हुआ था, उसके बाद से मुझे बहुत वीकनेस फील होती है जी। क्या कोई हार्मोनल डिसऑर्डर है या फिर क्या चीज है? डिलीवरी के दौरान किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं आई आपको? नहीं। अभी आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रही होंगी? हाँ जी। हाँ, तो ऐसे में जब हम बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो खाने पीने की आयरन, कैल्शियम, इन सब की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे समय में अपना देखभाल ज्यादा करने की जरूरत है। जो भी सप्लीमेंट्स हैं रिलेटेड, दवाइयाँ चाहिए, और अपने खान पान का ध्यान रखें, अपनी टोनिंग का ध्यान रखें। ऐसे में कुछ एक्सरसाइजेस, मसाजेस, ये सब भी हेल्प करती हैं। तो सभी तरह के आयरन, कैल्शियम और विटामिन, प्रोटीन सप्लीमेंट्स आप अपने डाइट में इंक्लूड करिए। जो भी चीजें खाने की से पूरी हो सकती हैं वो ठीक है, वरना अपनी जांच कराएं, अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट करा लें, ब्लड शुगर, थायराइड टेस्ट कराएं। अगर किसी में कोई खराबी आती है तो उसके हिसाब से उसकी दवाई लेंगी तो शायद आपकी वीकनेस ठीक लगेगी आपको और बेहतर महसूस करेंगी, बच्चे के साथ भी अच्छा समय बिता सकेंगी और बेहतर महसूस करेंगी। ठीक है। कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूर्वी। जैसे कि इन कॉलर ने भी अभी बात की डॉक्टर मनीर की, कमजोरियां जो होती हैं कई तरह की, कई बार अपना ध्यान ढंग से ना रख पाने की वजह से या बचपन में खान पान पूरा तरह से ढंग से ना होने की वजह से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी माता में रह जाती हैं, जिसकी वजह से उसका फर्क जो है वो बच्चे पे भी पड़ सकता है, डिलीवरी प्रोसेस पे भी पड़ सकता है और उसके बाद भी हो सकता है जी। मेरे ख्याल में ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कहीं ना कहीं, हाँ, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, हाँ, एनीमिया या खून की कमी, वो काफी इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और हमारे देश में एनीमिया से पीड़ित बहुत सी महिलाएं हैं, लड़कियां खुद कई बार, कुछ घरों में लड़के लड़कियों में फर्क किया जाता है उसके कारण, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में, ये अब शहरों में नहीं है, जहाँ लड़कियां पढ़ने लगी हैं वहां लड़कियों पे लड़कों से भी ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन दोनों ही प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जैसा आपने कहा कि अंडर न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और जहां ज्यादा ध्यान दिया जाता है, पैसे की कमी नहीं है, वहां डाइट सही नहीं है। फास्ट फूड बहुत कॉमनली यूज करते हैं बच्चे, आराम से बाहर जाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, तो उसके कारण भी कई तरह की डेफिशिएंसीज बॉडी में आती हैं। वेट गेन करना एक फैक्टर है, पर कॉल और लेते हैं हमारे कॉलर आपसे बात करना चाह रहे हैं अभी। हेलो हेलो जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? मैं नेहा बोल रही हूँ, एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा जी। जी नेहा जी जी, हाँ, मैं, मेरे को डॉक्टर साहब से पूछना, बात करनी थी और पूछना था कि मेरी 6 मंथ प्रेगनेंसी चल रही है जी, हाँ, और मेरा आयरन एंड कैल्शियम सब बंद कर दिया है, मेरा हार्ट इनलार्ज है इस वजह से। अच्छा, तो मुझे पता करना है कि फूड में ऐसा क्या लूं जो इन दोनों चीजों की कमी पूरी हो जाए। मेरा दूध भी बंद है, खाना भी बंद कर रखा है आपका? जी बिल्कुल, हाँ। मेरा खाना बंद नहीं है लेकिन मेरा दूध बंद है, फ्रूट्स बंद है, हाँ। दूध, मिल्क बंद है, मिल्क और बंद मेरा है। आयरन और कैल्शियम का कोई मेडिसिन नहीं चल रहा जी, हाँ। और मेरा पैरों में बहुत दर्द रहता है, मतलब समटाइम्स अगर मैं आधा घंटा खड़े रह गई तो मैं 5 मिनट से चल नहीं पाती हूँ, बहुत दर्द रहता है। हार्ट, हाँ नेहा, हाँ, हार्ट की प्रॉब्लम आपने बताई है, तो देखिए इसमें बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत रहती है। जैसा कि आपको आपके डॉक्टर्स ने बताया होगा, आपके कार्डियोलॉजिस्ट ने भी और आपकी ऑब्स्टेट्रिशियन ने भी, जिस तरह की केयर वो लोग बता रहे हैं वो अपने करते रहने की जरूरत है। डाइट में किस तरह की डेफिशिएंसीज हो सकती हैं ये आपको एक बार अपने डाइटिशियन से भी पूछ के रखना होगा, क्योंकि अगर कार्डियक एनलार्जमेंट के साथ हम लोग बहुत ज्यादा ओवरफीड भी नहीं कर सकते, फ्लूइड ओवरलोड भी नहीं किया जा सकता, तो इसलिए, और कई तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स, उसका इम्बैलेंस ना हो जाए इसका ध्यान रखने की जरूरत है। उसका प्रेगनेंसी अपने आप में क्योंकि एक फ्लूइड बढ़ा देती है, इस स्थिति में आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें फ्लूइड ज्यादा रहता है, तो हार्ट के ऊपर पहले ही ज्यादा जोर पड़ रहा है, इसलिए आपकी काफी दवाइयां और खान पान पे रेस्ट्रिक्शंस करे गए हैं, पर फिर भी कम वॉल्यूम में आप जितना ज्यादा ले सकें। कैल्शियम बिल्कुल बंद है आपको? कैल्शियम बिल्कुल बंद है और दूध तो बिल्कुल ही बंद कर दिया है, मतलब दूध तो मेरे को पीना भी नहीं है जी, हाँ। तो कुछ पनीर अलाउ कर रहा है आपको?
नहीं मैम, प्रोटीन्स, नहीं प्रोटीन्स में 5-6 दिन पहले पता लगी है अच्छा तो कि इस तरह की प्रॉब्लम है, तो अभी तो मैंने डाइट वगैरह का कुछ देखा भी नहीं है, बट हाँ ये सब चीजें बंद कर दी है मैंने बाकी। हाँ तो आपको अपने हाँ कार्डियोलॉजिस्ट और डाइटिशियन से मिलकर तय करना होगा कि जो डाइट चार्ट वो बना के दें, ताकि आपको और आपके होने वाले बच्चे दोनों की कमियां पूरी हो सकें, और जितना केयर की जरूरत है या फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग और विजिट्स की जरूरत है, जो टेस्ट वो करवाना चाहेंगे वो आपको लगातार करवाते रहना पड़ेगा, ताकि प्रेगनेंसी आपकी नॉर्मल चल सके, और बच्चे की डिलीवरी के बारे में भी जो डिसीजन वो लोग लेना वो लेंगे आपके और आपके बच्चे दोनों के हित में फैसला किया जाएगा। ओके मैम, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। नेहा, वी विश यू अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी प्रेगनेंसी, और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं दे वोंट टेक ओवर द प्रेगनेंसी एंड यू विल हैव अ हेल्दी बेबी। तो अभी हम बात कर रहे थे आपसे फैक्टर्स के बारे में, हाई रिस्क प्रेगनेंसी किन वजहों से होती है, आप हमें बता रही थी, क्या कोई खास कारण और ऐसे हैं जिनकी वजह से हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो सकती है और माता को ध्यान रखने की जरूरत हो? जी हाँ, जैसे अभी नेहा जी की कॉल हमने ली, कई बार कुछ प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस होती हैं जो अक्सर महिलाएं पहले से जानती हैं, जैसे अगर फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की तो कुछ टेस्ट करा लिए जाते हैं, या आजकल जैसी पढ़ी लिखी लड़कियां प्री कंसेप्शन काउंसलिंग के लिए भी जाती हैं और अपने टेस्ट करवाती हैं, ऐसे में कुछ अगर डायग्नोज्ड हैं प्रॉब्लम्स तो वो आपकी प्रेगनेंसी को हाई रिस्क बना सकती हैं, अगर आप उसको कंट्रोल में ना रखें या उनसे जो दवाइयां चल रही हैं उनके बारे में अपने डॉक्टर से डिस्कस ना करें, तो उससे एक तो हाई रिस्क फैक्टर्स बनते हैं, खून की कमी होना, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर एक बहुत ही खतरनाक कंडीशन है जो कि प्रेगनेंसी में माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरा क्रिएट करता है। थायराइड एक इमर्जिंग प्रॉब्लम है जो आजकल काफी फ्रीक्वेंटली डायग्नोज हो रही है, और इसके बारे में कम उम्र में डायग्नोज हो रही है, तो उससे भी बच्चे के ऊपर असर आ जाता है। हाँ, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आजकल कुछ खान पान के कारण भी, और लाइफस्टाइल से ब्लड प्रेशर ज्यादा होने के कारण किडनीज की प्रॉब्लम्स हैं जो कि प्रेगनेंसी को और भी हाई रिस्क बना देती हैं। जी, कई बार कुछ सर्जिकल कंडीशंस होती हैं जो एसोसिएटेड हो सकती हैं, जैसे गॉल ब्लैडर में स्टोन होना, अपेंडिक्स की प्रॉब्लम होना, कोई रीनल स्टोन, किडनी या यूरेटर में स्टोन्स होना, वो प्रेगनेंसी के दौरान बीच बीच में अपने सिम्टम्स दिखाती हैं, तो वो प्रेगनेंसी को ट्रबल करती हैं। कुछ गांठें हैं जिनके कारण, जैसे ओवरी में सिस्ट है, वो अगर अपनी जगह पे ट्विस्ट हो जाए तो वो मेडिकल इमरजेंसी, कई तरह की सर्जिकल इमरजेंसी क्रिएट कर सकती है। तो ऐसे में मेरे ख्याल से डॉक्टर से टच में रहना और जरूरी है, रिव्यू कराते रहना, टेस्ट कराते रहना, मेरे ख्याल में ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है हाई रिस्क प्रेगनेंसी अगर आपको डायग्नोज हुई है तो। और जो हम लाइफस्टाइल की बात कर रहे थे, कुछ उससे भी रिलेटेड जो रिस्क बच्चे को होते हैं, कई ये तो हम मदर की रिस्क की बात करें, कई फैक्टर्स ऐसे हैं जिनके कारण बच्चा एट रिस्क होता है, खासतौर से चेंजिंग लाइफस्टाइल में स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स, यह बड़े शहरों में कॉमन चीज हो गई है और महिलाओं में। हाँ बिल्कुल, अब ऐसा नहीं है कि आमतौर पे महिलाओं में कम देखने को मिलता था कि ये चीजें इस्तेमाल होती हैं, लेकिन क्योंकि ये कॉमन है तो इनका असर बच्चे के ऊपर होता है। प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस के कारण जो दवाइयां चल रही हैं वो दवाइयां बच्चे को नुकसान कर सकती हैं, तो उन दवाइयों उन्हीं सारी मेडिसिन में बदलाव की जरूरत है प्रेगनेंसी आइडेंटिफाई होते ही। कई बार मदर अगर किसी इन्फेक्शन से त्रस्त है, जैसे चिकन पॉक्स, सिफिलिस, हेपेटाइटिस अगर उसको हुआ हो, रुबेला, साइटोमेगालो वायरस, ये वायरल इन्फेक्शन हैं, उनसे अगर माँ को कोई इन्फेक्शन हुआ है तो बच्चे को उससे खतरा हो सकता है। हाँ जी, कैटेगरी में आ सकती है। और इनिशियल जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें बच्चे को अगर कोई एबनॉर्मेलिटी डायग्नोज हो रही हो, जैसे कि बच्चे के हार्ट में कोई छेद है या और किडनी में स्वेलिंग है, तो उन प्रेगनेंसीज को भी हम हाई रिस्क लेबल करते हैं। बिल्कुल, वो माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरा बन सकती है। इसी तरह माँ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव होना, नेगेटिव ब्लड ग्रुप, और जिसमें फादर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो, तो वो प्रेगनेंसीज भी हाई रिस्क हैं, क्योंकि उसमें माँ, उसमें जो आने वाला बच्चा है उसको कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। जी, तो ये तो हुए कारण जो कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी के होते हैं, जिनकी वजहों से एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो सकती है। अब बात आती है कि इसको मैनेज किस तरह से किया जा सकता है, क्या हाई रिस्क प्रेगनेंसी का जो मैनेजमेंट है, जैसे कि आपकी बातों से जाहिर हो रहा है कि आसान तो नहीं है, लेकिन आजकल के इस अवेयर जागरूक वर्ल्ड में इतना मुश्किल भी नहीं है मुझे लगता है। इसके मैनेजमेंट पे हम आपसे कुछ बातचीत करना चाहेंगे कि यदि हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो उसको किस तरीके से मैनेज किया जाता है।
देखिए, या तो महिलाएं खुद अगर कोई फैक्टर जानती हो जिससे उनको समझ में आ रहा है कि उनकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क हो रही है, या इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस के दौरान अगर कोई हाई रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई किया है डॉक्टर ने, तो ऐसी प्रेग्नेंट लेडीज को अपने एंटीनेटल केयर के दौरान ज्यादा फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग की जरूरत रहती है। फ्रीक्वेंट विजिट्स के लिए उनको बुलाया जाता है, जैसे आमतौर पर शुरू के 3 महीने में महीने में एक विजिट होती है, पर उन महिलाओं को हो सकता है सप्ताह में एक बार या 15 दिन में एक बार विजिट के लिए बुलाया जाए। जो रूटीन इन्वेस्टिगेशंस हैं, खून की, पेशाब की जांचें, सोनोग्राफी, उनके अलावा जो डिजीज डायग्नोस हुई है उसकी एक्सटेंट जानने के लिए कुछ इन्वेस्टिगेशंस की जरूरत होती है। अगर कोई जैसे कार्डियक प्रॉब्लम है तो ECG, इकोकार्डियोग्राम कराने की जरूरत है। एक कंबाइंड टीम अप्रोच की जरूरत होती है उनके मैनेजमेंट के लिए, जैसे इस केस में कार्डियोलॉजिस्ट की जरूरत है। अगर कोई किडनी से रिलेटेड डिजीज है तो नेफ्रोलॉजिस्ट या गुर्दे के स्पेशलिस्ट उसको देखते हैं, कभी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की ओपिनियन लेनी पड़ती है। तो एक तरह की टीम अप्रोच रखनी पड़ती है इनके इन्वेस्टिगेशन जो है वो जानना जरूरी है। हाँ, क्या है? तो एक तो डिजीज का एक्सटेंट पता करना जी। फिर उनके लिए जो मेडिकेशन है वो तय करना, ऐसी दवाइयां जो माँ जो बच्चे को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचा पाए उन दवाइयों को सिलेक्ट करना जरूरी है, और कुछ माइनर ऑल्टरेशंस की जरूरत होती है जी। कुछ स्पेशलाइज्ड टेस्ट, जैसे हम लाइफस्टाइल की बात कर रहे थे, एक बार आपको इंटरप्ट करना चाहूंगी क्योंकि एक कॉल हमारे पास यहाँ आ रहा है। हेलो हेलो जी, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे हम। हाँ, मेरा नाम सीमा मीणा है जी। सीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ सिटी हेल्थ में। आज हमारे साथ में डॉक्टर मिनी भार्गव हैं, तो आप उनसे अपना सवाल कर सकते हैं। मैम, मेरा क्वेश्चन डॉक्टर साहब से ये है कि जैसे आजकल ये PCOD एक डिजीज है जो बहुत कॉमन है फीमेल्स में। हाँ जी। इसकी वजह से कंसीव करने में भी बहुत प्रॉब्लम आती है फीमेल्स जी। हाँ। तो एक तो इसका क्या रीजन है, और अपन इससे होम रेमेडीज भी आती है क्या इसके? आपने बिल्कुल सही कहा, हम इसी बारे में बात कर रहे थे। जैसे और बीमारियां हैं ऐसे, पॉलीसिस्टिक ओवरीज भी एक तरह की एक लाइफस्टाइल डिजीज है, क्योंकि जीवन शैली में इतना बदलाव आया है, कंपटीशन का जमाना है, लड़कियों को लड़कों के बराबर काम करना है, कॉम्पीट करना है। तो एक तरह से आप ये सोचिए, इसमें जो मेल हॉर्मोन्स हैं वो प्रीडोमिनेट करने लगते हैं, इसलिए कुछ हॉर्मोनल चेंजेस आने लगते हैं। लाइफस्टाइल चेंज के कारण स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ रहा है, उसके कारण हॉर्मोन्स में बदलाव आता है। वेट गेन एक अलग प्रॉब्लम है, इसमें सिर्फ माहवारी की जो प्रॉब्लम्स आती हैं, पीरियड्स की इरेगुलरिटी के अलावा आप देखेंगे पिंपल्स होना, एक्ने या हेयर ग्रोथ, फेशियल हेयर, या अगर ज्यादा सीरियस कंडीशन होती है तो उसमें और भी ज्यादा बालों का आना, और फिर बाद में प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम होना, ये आमतौर पर देखा जाता है। देखिए, होम रेमेडीज में तो यही कि आप अपना थोड़ा सा लाइफस्टाइल रेगुलेट करें, एक्सरसाइजेस, डाइट पे ध्यान रखना, मीठा और चिकनाई खाना कम करना है, समय पे सोना, समय पे जगना, क्योंकि आज लेट नाइट जो जगना देखते हैं, बच्चे भी अपने हॉस्टल्स में जब जाते हैं तो रात को देर तक 9-10 बजे से पढ़ना शुरू करते हैं और 3-4 बजे तक पढ़ते हैं, और सुबह सूरज उठने के समय सब सोते हैं, 10-11 बजे तक उनकी नींद खुलती है, ब्रेकफास्ट अपना हमेशा स्किप करते हैं क्योंकि क्लासेस का समय हो जाता है। तो ये एक मेजर लाइफस्टाइल चेंज है जिसके कारण जो नॉर्मल हार्मोन्स हमारे बॉडी के बने हैं वो उस तरह से फंक्शन कर नहीं पाते। तो एक ये चेंज करने की जरूरत है, एक्सरसाइजेस करें, उससे काफी फर्क होगा, और बाकी कुछ मेडिकेशंस की जरूरत पड़ती है इसमें चीजों को कंट्रोल करने में। अपने वजन पे कंट्रोल करेंगे और जो जरूरी दवाइयां हैं, अगर एसोसिएटेड कुछ प्रॉब्लम है जैसे थायराइड या प्रोलैक्टिन हार्मोन भी इसमें अक्सर ज्यादा मिल जाता है, तो उनको भी कंट्रोल करने से चीजें जल्दी कंट्रोल हो जाती हैं। कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का सही जवाब भी मिल गया होगा। तो हम आपसे बात कर रहे थे मैनेजमेंट के बारे में कि किस तरह से इस हाई रिस्क प्रेगनेंसी को मैनेज करने के लिए एक सिर्फ आपके डॉक्टर की सलाह की नहीं बल्कि कारण ढूंढकर एक और रिस्पेक्टिव डॉक्टर की सलाह की जरूरत भी पड़ती है। तो जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस हैं या रिसेंटली डायग्नोस्ड कंडीशन है उनका ट्रीटमेंट डिसाइड करना जरूरी है। फिर बच्चे के लिए हम कई बार स्पेशलाइज्ड टेस्ट करते हैं, जैसे हम बात कर रहे थे लाइफस्टाइल के बारे में, अब लेट मैरिजेस होती हैं,
कई बार इनफर्टिलिटी इश्यूज रहते हैं, उसके बाद कारण महिलाएं देर से कंसीव करने के लिए तय करती हैं, मतलब कभी उनकी चॉइस भी हो सकती है कि थोड़ा लेट वो अपनी फैमिली प्लान करें। ऐसी स्थिति में डायबिटीज भी कॉमन है, स्ट्रेस से रिलेटेड है, और उनमें बच्चे में कंजेनिटल मैलफॉर्मेशंस का रिस्क थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। तो रूटीन सोनोग्राफीज में अगर कोई एबनॉर्मैलिटी आती है तो एक ओरियन विलस सैम्पलिंग और एमनियोसेंटेसिस दो टेस्ट हैं जो जिनकी सलाह कई बार देनी पड़ती है। आजकल फीटल मेडिसिन एक अपकमिंग ब्रांच है जिसमें प्रेगनेंसी से रिलेटेड या बच्चे की एबनॉर्मैलिटी से रिलेटेड चीजों को टाइम से डायग्नोस करके और अगर कोई ट्रीटमेंट संभव है तो वो किया जा सकता है, तो उस टेस्ट की भी जरूरत पड़ती है। समय समय पर सोनोग्राफी, बायोफिजिकल प्रोफाइल और डॉपलर स्टडीज, रंगीन डॉपलर आजकल कॉमन है, सब समझने लगे हैं इसको, बच्चे की ग्रोथ ठीक हो रही है या नहीं ये जानना जरूरी है। और अगर कभी जरूरत है तो बच्चे की डिलीवरी का समय भी डिसाइड करना पड़ता है, अगर उसको प्री टर्म निकालना जरूरी है तो डिलीवरी का टाइम डिसाइड करें, और या फिर अगर वो ठीक से ग्रो कर रहा है तो टर्म तक प्रेगनेंसी ले जाकर और उसकी डिलीवरी करवाई जा सकती है। तो यानी कि ये कहा जा सकता है कि आज का जो आधुनिक मतलब एडवांस्ड मेडिकल वर्ल्ड जो है, जो जिस तरह से मेडिसिन के वर्ल्ड में जो चेंजेस आए हैं, जो एडवांस तरीका है, उससे बहुत कुछ मैनेजेबल है। जी हाँ। ये आज का एक, मैं कहूंगी कि एक ब्लेसिंग ही है उन पेरेंट्स के लिए जो आज के टाइम में जो माँ बन रही हैं, कि उनकी प्रेगनेंसी को हर वक्त गेज किया जा सकता है, उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है, और अगर छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी है तो उसको जैसे कि सभी तरह का डॉक्टर्स और गवर्नमेंट का भी इसमें पूरा रोल है, क्योंकि मैटरनल और फीटल मोर्टेलिटी कम करने के लिए हर स्तर पे कोशिश हो रही है। जी, एक सबसे ज्यादा जरूरी होती है बात, जैसे कि आपने बीच बीच में हमें बताया भी कि प्रिवेंशन, बचाव जो है वो बहुत जरूरी होता है। जैसे कि हमारे जो कॉलर्स ने कॉल किया उन्हें भी आपने काफी सारी सलाहें दी, लेकिन हम आपसे एक छोटा सा एक प्रिवेंशन का एस्पेक्ट डिस्कस करना चाहेंगे, क्योंकि वक्त की कमी हमें बहुत कुछ तो आपसे बातें नहीं करने दे रही है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम आपसे जानना चाहेंगे। लेकिन एज अ डॉक्टर मुझे लगता है, और एज अ सीनियर कंसल्टेंट आप जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, मेरे ख्याल में आप सबसे ज्यादा ढंग से हमें बता पाएंगी कि प्रिवेंशन जो है इस हाई रिस्क प्रेगनेंसी का, वो किस तरह से किया जाए। क्या ऐसी सलाह देना चाहेंगी आप माताओं को? एक कॉल लेते हैं यहाँ पर हम। हेलो 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 हाँ जी डॉक्टर, मेरे को प्रोग्राम ना। हेलो हेलो, अपना नाम बताएं। संतोष। हाँ संतोष बताएं। हेलो, मेरा नाम संतोष है। मेरा नाम बहुत क्लियर घड़ी घड़ी। संतोष जी, हम आपसे चाहेंगे कि आप अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम करें, टीवी की आवाज थोड़ी कम करें, तो हम आपको बेहतर तरीके से सुन पाएंगे। आप अपने टीवी की आवाज कम करें पहले। जी आप बताइए, आपकी समस्या क्या है? यहाँ मौजूद डॉक्टर आपसे बात कर रही हैं, आप बताइए। एक तो पेशाब में जलन घटी होती है, और इसके अंदर ऐसे घड़ी की एलर्जी हो जाती है। क्या ब्लीडिंग के बारे में बात करना चाह रही हैं? हाँ 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 जी हाँ। एक बार अपना सवाल वापस दोहराएंगे। एक तो सफेद पानी बहुत आता है। हाँ जी अच्छा, पानी बहुत आता है। जी हाँ, एक है ना हेल्थी है, एक सफेद पानी ज्यादा आता है और ब्लीडिंग ज्यादा होती है। हाँ। आपकी उम्र क्या है संतोष जी? 30 साल। 30 साल। हाँ। और पहले आपके बच्चे हैं? आपके 30 साल। 30। हाँ। और कितने बच्चे हैं आपके? हाँ, दो है। दो बच्चे हैं। खून जो आपको ब्लीडिंग ज्यादा होती है, वो पूरा महावारी के समय ज्यादा होती है? नहीं, बेल्डिंग के वो नहीं। हाँ, महावारी जाओ और सफेद पानी आता है। अच्छा, लेकिन महावारी आपको समय पर आती है, एक महीने में एक बार, या बीच बीच में भी खून दिखता है? नहीं, एक आती है।
अच्छा, तो आप और जो सफेद पानी आता है उसमें किसी तरह की बदबू? महीना में एक बार, महीने में एक बार। हाँ, और जो सफेद पानी आता है क्या उसमें किसी तरह की बदबू है? हाँ, थोड़ी थोड़ी बदबू आती है। हाँ, तो आपने अपनी आप अपनी जांच करवाएं, क्योंकि इसमें सोनोग्राफी की जरूरत होगी। और हाँ, जो पानी आता है उसका कल्चर और स्मियर लेते हैं और उसके हिसाब से आपको दवाई देने की जरूरत होती है। कई बार डिलीवरी के समय बच्चेदानी के मुंह पे थोड़ी इंजरी हो जाती है, तो उससे कुछ घाव बन जाते हैं। अगर ऐसे कोई घाव है तो उसके लिए दवाई दी जाती है, और अगर जरूरत है तो कोई टांका भी लगाने की जरूरत पड़ती है। नहीं, मैंने हेलो हेलो मेरे ख्याल में डिस्कनेक्ट हो गया है फोन, तो इन्हें हम शायद यही सलाह देना चाहेंगे कि एक बार आप डॉक्टर के पास जाके ही जांच करवाएंगे, कारण पता करने की बहुत। जी हाँ, कई बार इसमें सोनोग्राफी की भी जरूरत पड़ सकती है। अगर सिर्फ इन्फेक्शन के कारण है तो एंटीबायोटिक का कोर्स देके और आयरन की टैबलेट्स देने के बाद ब्लीडिंग कम भी हो जाती है। पर अगर कोई इन्फेक्शन है या कोई गांठ है तो उसके लिए अकॉर्डिंगली जो भी ट्रीटमेंट्स की सलाह दी जाएगी डॉक्टर के द्वारा, उसको करना होगा। डॉक्टर मिनी, यूं तो आपसे बातें बहुत सारी हैं करने के लिए, लेकिन समय की कमी हमें इजाजत नहीं दे रही है कि हम आपसे और बातचीत कर पाएं। लेकिन मैं चाहूंगी कि जाते जाते आप सलाह कुछ जरूर देके जाएं यहाँ हमारे दर्शकों को, जिससे कि उनकी प्रेगनेंसी नॉर्मल ही हो, हाई रिस्क में तब्दील ना हो। जी हाँ, देखिए ऐसा है कि यहाँ एक शब्द कहूंगी, प्री कंसेप्शन काउंसलिंग, यानी गर्भ धारण करने से पूर्व अपनी जांच पति और पत्नी दोनों ही करवाएं तो बहुत अच्छा होगा। डॉक्टर आपकी शारीरिक जांच, जरूरी खून की जांच या कुछ अन्य जांचें करके अगर कोई कारण है ऐसा जो आपकी प्रेगनेंसी को बाद में हाई रिस्क बना सकता है तो उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसके लिए जो जरूरी दवाइयां हैं वो देंगे। और अगर कोई बीमारी नहीं मिलती है तो नॉर्मल विटामिन आयरन की टैबलेट्स ये दी जाती हैं, जिसके बाद प्रेग्नेंट होने पर बच्चे में किसी तरह की एबनॉर्मैलिटी होने के चांसेस भी कम रहते हैं। अगर कुछ चीज आइडेंटिफाइड है, कोई भी अवस्था आइडेंटिफाइड है हाई रिस्क, तो आप अपने डॉक्टर के पास इमिजिएटली जाएं, जैसे ही पीरियड्स मिस करते हैं, क्योंकि शुरू के दिनों में ही कई जांचें की जाती हैं। और अगर जरूरत है तो जो आपकी दवाइयां चल रही हैं उसमें जरूरी बदलाव किए जाते हैं, ताकि वो दवाएं होने वाले बच्चे को किसी तरह की परेशानी ना करें, और समय समय पर अपनी जांचें करवाते रहें और मातृत्व का सुखद अनुभव लें। बिल्कुल, सबसे ज्यादा जी। तो दोस्तों, आज के सिटी हेल्थ के इस एपिसोड में हमने बात की डॉक्टर मिनी भार्गव से, हाई रिस्क प्रेगनेंसी को डिस्कस किया और साथ ही साथ ये भी जाना कि किस तरह से इसका बचाव किया जा सकता है, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा आज का ये एपिसोड आपको जरूर अच्छा लगा होगा। आपके फीडबैक का हमें हमेशा की तरह इंतजार रहेगा। बताते रहिए हमें कि कैसे लगते हैं आपको हमारे सिटी हेल्थ के एपिसोड, और आप क्या और देखना चाहते हैं, क्या और शामिल करना चाहते हैं इनमें। तो आज के लिए बस इतना ही। डॉक्टर मिनी भार्गव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका कीमती समय जो हमें यहाँ दिया उसके लिए। और दर्शकों, आज के लिए हम आपसे चाहेंगे इजाजत। अगले वीक हम फिर होंगे हाजिर एक नए स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, नमस्कार।